हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम दिव्या कौशिक एंड आज के इस वीडियो में हम ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे जो आप किसी फाइट या आर्ग्यूमेंट के दौरान यूज़ कर सकते हो, तब जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया हो या फिर आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए हो। एंड इसमें मारने पीटने वाले वर्ड्स इंक्लूडेड नहीं हैं, और इन वर्ड्स को आप फॉर्मल सेटिंग में ना ही यूज़ करो तो अच्छा है, क्योंकि फॉर्मल सेटिंग्स में आपको थोड़ा सभ्य बन के रहना होता है, थोड़ा सिविल बन के रहना होता है, थोड़ा पोलाइट रहना पड़ता है। अगर आप ये कहना चाहते हो कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या, एंड अलग अलग लोग इस चीज़ को अलग अलग तरीके से बोलते हैं, कोई कोई ये भी बोलता है कि तेरी अकल घास से भी चली गई थी क्या, तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इस चीज़ को बोलते हैं। लेकिन अगर आपको इसी चीज़ को इंग्लिश में बोलना हो तो आप ये कह सकते हो, हैव यू लॉस्ट योर माइंड, या फिर हैव यू लॉस्ट इट। इट भी यहाँ पे माइंड की जगह ही यूज़ होता है, सो हैव यू लॉस्ट इट, इसका भी मतलब यही होता है कि हैव यू लॉस्ट योर माइंड। जैसे सपोज करो आपके आपके फ्रेंड से लड़ाई हो गई, आपके फ्रेंड ने आपको बताया कि उसने अपनी टीचर को ये कन्फेस कर दिया, ये बता दिया कि उसने एग्ज़ाम टाइम पे फर्रे चलाए थे, राइट, एंड उसने चीटिंग की थी। मगर उसने गलती से टीचर को ये भी बता दिया कि आपने उसकी हेल्प की थी, तो जिस टाइम पे उसने आपको बताया कि उसने क्या काम किया, उस टाइम पे आप उसको बोल सकते हो, हैव यू एब्सोल्युटली लॉस्ट योर माइंड। यहाँ पर एक पॉइंट जो नोट करने वाला है वो ये है कि जब आप ये कहते हो हैव यू लॉस्ट इट या फिर हैव यू लॉस्ट योर माइंड, उसका मतलब अलग होता है, तब आप गुस्से में हो, राइट। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि आई लॉस्ट इट, या फिर इसका जनरल फॉर्म होता है समबडी लॉस्ट इट या फिर समबडी लूजेज इट, तो इसका मतलब होता है कि उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए। जैसे एक एग्जाम्पल सेंटेंस हो सकता है, आई लॉस्ट इट व्हेन शी इंसल्टेड माई मदर, यानी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया जब उसने मेरी मम्मी की बेइज्जती की। हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन है गेट ओवर इट, एंड आप इसको आर्ग्यूमेंट के वे में भी यूज़ कर सकते हो जब आप गुस्सा हुए होते हो, या फिर आप इसको पोलाइटली भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा संभल कर। जैसे सपोज करो कि एक सिचुएशन चल रही है, आपके किसी के साथ लड़ाई चल रही है, एंड वो उस लड़ाई में एक ऐसा पॉइंट ले आए जो 3 साल पहले बात हुई थी या फिर 4 महीने पहले बात हुई थी, प्रॉब्ली आपसे कुछ गलती हो गई, एंड वो उसको बार बार लड़ाई के अंदर लाए जा रहे हैं, तो आप बोल सकते हो जस्ट गेट ओवर इट ऑलरेडी, इट हैपेंड 4 मंथ्स अगो, वी सेटल्ड इट, यानी पहले बात हो चुकी है, उसको छोड़ो। अगर आप इसको थोड़ा संभल के यूज़ करना चाहते हो, फिर भी थोड़ा पोलाइटली यूज़ करना चाहते हो, तो एक सिचुएशन कंसिडर करो कि आपकी किसी के साथ लड़ाई हो रही है, एंड अब आप उनको बोलते हो लेट्स जस्ट गेट ओवर इट, लेट्स मूव ऑन, कि अब जो हो गया सो हो गया, अब इसको भूल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। कभी कभी आर्ग्यूमेंट करते हुए या फिर फाइट करते हुए ऐसा पॉइंट आता है जब आपको लगता है अब आपको अकेले रहना है, आपको दूसरे की प्रेजेंस नहीं चाहिए, अब उस टाइम पे आप चाहते हो कि वो वहाँ से चले जाएं, तो उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम यहाँ पर 3 एक्सप्रेशंस को इंट्रोड्यूस करेंगे। पहला एक्सप्रेशन है गो अवे। गो अवे एक ढंग का एक्सप्रेशन है, इसका सिंपल मतलब होता है कि आप मुझे अकेला छोड़ दो, अब आप यहाँ से चले जाओ। तो आप कह सकते हो प्लीज़ गो अवे, आई डू नॉट वॉन्ट टू फाइट विद यू, यानी कि आप यहाँ से चले जाओ, मैं आपसे लड़ाई नहीं करना चाहता। जो दूसरा एक्सप्रेशन हम इस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं वो है गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट गो अवे से रूड होता है थोड़ा सा, और लिटरली आप इसको कह सकते हो कि आप दफ़ा हो जाओ, ये इस तरीके का एक्सप्रेशन है। तो अगर आप किसी को कहना चाहते हो कि गेट लॉस्ट, तो यू कैन से जस्ट गेट लॉस्ट ओके एंड डोंट एवर शो मी योर फेस अगैन, यानी कि आप चले जाओ यहाँ से और मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना दोबारा। बहुत रूड होता है, सो प्लीज़ इसको संभल के यूज़ करें। एंड अगर आपको रूडनेस का लेवल और जंप करना है तो आप यूज़ कर सकते हो एक्सप्रेशन पिस ऑफ। पिस ऑफ बहुत रूड होता है, बहुत ऑफेंसिव होता है, तो आई रेकमेंड कि आप ना यूज़ करो। लेकिन कभी कभी लोग इतने गुस्से में होते हैं कि वो इस एक्सप्रेशन को भी यूज़ करते हैं, इसीलिए हमने इस वीडियो में इस एक्सप्रेशन को इंक्लूड किया है। एंड ये एक्सप्रेशन मैंने कहाँ से सीखा, हैरी पॉटर मूवी के 4th पार्ट से, गॉबलेट ऑफ फायर। मुझे गॉबलेट का मतलब भी नहीं पता था टाइटल में, बट आई लर्नड पिस ऑफ। लुक, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टुनाइट एंड आई डोंट नो व्हाई,
You just did. Okay? Piss off. कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई आपके साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, या फिर उसे बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है आपके ऊपर. आप कुछ भी काम करते हो, वो आपको छोटी छोटी बात पे बोलते हैं, उसमें नुक्स निकालते हैं या फिर उसके लिए कंप्लेन करते हैं. सपोज़ आप इस चीज़ से परेशान हो गए हो, सपोज़ आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपने बहुत मेहनत की एंड आपके ऊपर प्रेशर भी खूब था, आपके पेरेंट्स का मे बी, बट आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए. लेट अस से कि एक्सपेक्टेशन थी कि आप 95 स्कोर करोगे, बट यू स्कोर 90, लेकिन उसके लिए आपको बहुत डांट पड़ रही है, तो आपको भी गुस्सा आ गया. एंड उस टाइम पे आप कह सकते हो, गिव मी अ ब्रेक, ओके, आई एम ट्राइंग. सो गिव मी अ ब्रेक, हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन को इंट्रोड्यूस किया. गिव मी अ ब्रेक का लिटरल मतलब ये होता है कि थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो मेरे को, राइट? सो यू कैन से गिव मी अ ब्रेक, ओके, या सपोज करो कि आप लेट हो गए किसी फंक्शन के लिए एंड आपको उसके ऊपर डांट पड़े ही जा रही है. सो यू कैन से गिव मी अ ब्रेक प्लीज. एंड अगर आप इसी एक्सप्रेशन की जगह कोई और एक्सप्रेशन यूज़ करना चाहते हो तो आप बोल सकते हो गेट ऑफ माई बैक. गेट ऑफ माई बैक का मतलब भी सेम होता है गिव मी अ ब्रेक की तरह. तो सपोज करो कि कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको आपके ड्रेसिंग स्टाइल के लिए हमेशा टोका जाता है. कोई कहता है ग्रीन के साथ कोई पिंक पहनता है क्या, तुझे तो कपड़े नहीं पहनने आते, या फिर तेरी इनकम इतने टाइम से 3 साल से सपोज इतनी है, 5,000 रुपये भी नहीं बढ़ी है. सो कोई आपको कॉन्स्टेंटली कंप्लेन किया जा रहा है किसी चीज़ के लिए, बोले जा रहा है. तो उस टाइम पे आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, इस एक्सप्रेशन को, गेट ऑफ माई बैक. यू कैन सिंपली से प्लीज़ गेट ऑफ माई बैक. हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन है सिक एंड टायर्ड ऑफ समबडी और समथिंग. इसका मतलब होता है तंग हो जाना किसी चीज़ से अच्छे से. जैसे अगर आपको याद है प्यार का पंचनामा मूवी, तो उसमें बहुत फेमस डायलॉग है. उसमें यार 6 महीने में हैड इट ऑल, सब देख लिया मैंने. अबे कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, काहे की खुशियां? रिलेशनशिप का मतलब ही होता है एन एंड टू योर ओन हैप्पीनेस. एंड अगर आप इस बंदे की कंडीशन को डिस्क्राइब करना चाहते हो तो आप कह सकते हो ही इज सिक ऑफ हिज रिलेशनशिप, या फिर ही इज सिक एंड टायर्ड ऑफ हिज रिलेशनशिप, और ऑफ हिज गर्लफ्रेंड, ही इज सिक एंड टायर्ड ऑफ हिज गर्लफ्रेंड. हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन है टू टेक लिबर्टीज विद समथिंग और समबडी. इसका पहला सिनेरियो कंसिडर करते हैं. सपोज करो कि आपकी बहन की शादी है, कार्ड पूरा लेआउट तैयार हो गया कि कार्ड कैसा दिखेगा, एंड आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको प्रिंट करा के लाओगे. आपने एंड में देखा कि कार्ड में लाइन लिखी हुई है, मेरी बुआ की दादी में जलूल जलूल आना. आपको लगा क्या बचकानी हरकत है, आपने वो लाइन रिमूव करा दी. एंड जब आप वापस घर पर आए प्रिंटेड कार्ड्स लेकर, तब घर वाले आप पे गुस्सा हो गए एंड वो तब आपसे पूछ सकते हैं हु आस्क्ड यू टू टेक लिबर्टीज विद द कार्ड, क्या पूछ के तुमने छेड़छाड़ की, क्यों बदला उसको, राइट? तो ऐसे चेंज कर देना किसी चीज़ के साथ जो कि लोग अप्रूव नहीं करते, या फिर आपको पता भी है कि लोग अप्रूव नहीं करेंगे, तो बिना बात एक्स्ट्रा अथॉरिटी अज्यूम करके चेंजेस कर देना. एंड इसी में दूसरा सिनेरियो कंसिडर करते हैं. सपोज करो कि आप एक चाय वाले की दुकान पे बैठे हो एंड आपने बिस्किट ले लिया, आपकी चाय भी आ गई, एंड तभी कोई आता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, आप उससे बात करने लगते हो, वो आपके बिस्किट के पैकेट में से बिस्किट उठा के खा लेता है. चलो कोई बात नहीं. जब आप अपनी चाय के लिए पैसे देते हो तो वो बंदा कहता है मेरी चाय के पैसे भी इसी में से काट लेना. तब आप उसको कह सकते हो यू आर टेकिंग लिबर्टीज विद मी, यानी आप बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो रहे हो मेरे साथ बिना बात. हमारा जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो आर्ग्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो है ग्रो अप. ग्रो अप का मतलब होता है बचकानी हरकतें करने बंद करो, बच्चों के जैसा बिहेव करना बंद करो, बड़े हो जाओ, बड़ों की तरह बिहेव करो. जैसे Somebody can say, grow up, stop being so stubborn. मतलब इतना ढीठ बनना बंद करो, बड़े हो जाओ अब, बच्चों की तरह बिहेव मत करो. हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन है swear on someone's life. इसका मतलब होता है कि किसी की कसम खा के बोलना आप सच बोल रहे हो. मतलब आगे की इम्प्लीकेशन यही होती है स्टेटमेंट की कि आप सच बोल रहे हो. जैसे किसी लड़ाई के दौरान कोई ये बोल सकता है I swear on my mother's life, I did not lie to you. मतलब मैं अपनी मम्मी की कसम खा के कहता हूँ मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था.
एंड ज़्यादातर जब लोग कसम खाते हैं वो झूठी बोल रहे होते हैं। हमारे लास्ट एक्सप्रेशंस हैं ड्राइव समवन क्रेजी और ड्राइव समवन अप द वॉल। इसका मतलब सेम होता है, यानी किसी को पागल कर देना। सपोज़ आपको बच्चों के बीच में रहने की आदत नहीं है, बट आपके अराउंड बहुत सारे बच्चे हैं एंड वो सब शैतानी किए जा रहे हैं, तो यू कैन से दीज किड्स आर ड्राइविंग मी क्रेजी, पागल कर रहे हैं बच्चे मेरे को। या फिर सपोज़ करो कि आपके आसपास कोई बहुत ज़्यादा खराटे ले रहा है, राइट? सो उस टाइम पे आप कह सकते हो योर स्नोर्स ड्रोव मी अप द वॉल, मैं पागल हो गया तुम्हारे खराटों से। दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज, एंड आई होप नेक्स्ट टाइम आप जब भी फाइट करो या आर्ग्यू करो तो अच्छे से करो। नो आई एम जस्ट किडिंग। एंड सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।